उत्तर प्रदेश का एक सुंदर शहर है जो मंदिरों और घाटों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अविरल जैन और आप देख रहे हैं घूमो जी भर के। दोस्तों आज हम आपको बनारस की सैर कराने वाले हैं और वो भी बताने वाले हैं कि अगर आप लोग बनारस जा रहे हैं तो कौन से पर्यटक स्थल आप वहां घूम सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे बनारस के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। जी हां दोस्तों, उससे पहले कि वीडियो को आप लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। बनारस को सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से जाना जाता है और बनारस भारत की एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर देश विदेश से आए हुए लोगों का जमावड़ा हमेशा लगा रहता है। भारतीय साग सब्जी संस्थान भी बनारस में ही है और भारतीय कला भवन भी यहीं पर है। वाराणसी में फिल्मों की शूटिंग भी होती है और बनारस की गंगा नदी घाटों के लिए फेमस है। आज हम बात करने जा रहे हैं वाराणसी के इतिहास के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी को बनारस और काशी भी कहते हैं। यह गंगा नदी के तट पर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बसा एक खूबसूरत शहर है। वाराणसी के लिए कुछ ट्रेन काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, शिवगंगा, मरुथल एक्सप्रेस आदि ट्रेनें बनारस के लिए आती हैं। बनारस पर्यटक के लिए आकर्षण का केंद्र है और यहां अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक और सुंदर दर्शनीय स्थल हैं। बनारस भगवान भोले शंकर की नगरी है। यहाँ का प्रमुख उत्सव महाशिवरात्रि है और पूरे सावन महीने भर यहाँ पर हजारों से लाखों की संख्या में लोग आते हैं। महीने भर मेले का उत्सव रहता है। बनारस के शिव मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त जन गंगा जल चढ़ाते हैं जो कि भारत की कई राज्यों से लेकर आते हैं। अब बात करते हैं बनारस के 10 दर्शनीय पर्यटक स्थलों के बारे में। सबसे नंबर एक पर है भारत कला भवन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक ऐसा संग्रहालय है जिसमें जाने वाले को संपूर्ण भारत का ज्ञान हो सकता है। अगर यह कहा जाए कि एक तरह से यह भारत की कला, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा का अनूठा संगम है तो अतिशोक्ति ना होगी। इस अनूठे संग्रहालय के बारे में हाल ही में काशी कथा नामक साहित्य संस्था ने शोध किया है। उन्होंने बताया कि काशी को जानने और उसे आम लोगों तक परोसने में जुटे बहुत सारे वैज्ञानिक और कविताकारों ने खास मेहनत की है। कला भवन में मुद्राओं का भी समृद्ध संग्रह है, जहां थाई से पीटकर बनी मुद्राएं, ढल बनकर तांबे के सिक्के, झंडों ग्रीक शासकों के सिक्के, कुषाण एवं गुप्तकालीन स्वर्ण एवं रजत मुद्राएं तथा दिल्ली सुल्तान एवं शासकों के सिक्के भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश एवं भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आधुनिक सिक्के भी यहाँ रखे जाते हैं। नंबर दो पर है संकट मोचन हनुमान। देश के ऐतिहासिक मंदिरों में शामिल काशी के संकट मोचन मंदिर का इतिहास करीब 400 साल पुराना है। इसी मंदिर में हनुमान ने राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास को दर्शन दिए थे, जिसके बाद बजरंगबली मिट्टी का स्वरूप धारण कर यहां स्थापित हो गए। बताया जाता है कि संवत 1621 और 1680 के बीच इस मंदिर को बनवाया गया। इसकी स्थापना तुलसीदास ने कराई थी। मान्यता है कि जब वे काशी में रहकर रामचरितमानस लिख रहे थे तब उनके प्रेरणा स्रोत संकट मोचन हनुमान थे। 8 एकड़ भूमि में फैला तुलसीदास के समय का वन आज भी मौजूद है। यहाँ वन कदम और वन फूल जैसे दुर्लभ वृक्ष हैं। हर साल कदम पेड़ की डाल विश्व प्रसिद्ध नाग नथैया के लिए तुलसी घाट जाती है। अमिताभ बच्चन ने भी अभिषेक बच्चन की शादी की मन्नत यही मानी थी और पहला शादी का कार्ड भी संकट मोचन को चढ़ाया था। नंबर तीन पर है ज्ञान व्यापी कुआं। कहा जाता है कि अप्रैल 1670 में औरंगजेब के फरमान के बाद मुगल सेना ने हमला कर आदि विश्वेश्वर का मंदिर ध्वस्त किया था। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को कोई क्षति न हो इसके लिए मंदिर के महंत शिवलिंग को लेकर ज्ञान व्यापी कुंड में कूद गए थे। हमले के दौरान मुगल सेना मंदिर के बाहर स्थापित विशाल नंदी की प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन सेना के तमाम प्रयासों के बावजूद भी वे नंदी की प्रतिमा को नहीं तोड़ सके। 353 साल पुराना ज्ञान व्यापी कुंड पिछले साल काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तार में कॉरिडोर का हिस्सा बन गया। ये तस्वीर उसी ज्ञान व्यापी कुंड की है। इसे वर्ष 1900 के आसपास कैमरे में कैद किया गया था। नंबर चार पर है दुर्गा माता मंदिर।
बाबा विश्वनाथ नगरी के नाम से मशहूर काशी की पावन भूमि पर कई देवी देवताओं का मंदिर है। इसी क्रम में दुर्गा कुंड क्षेत्र में माँ दुर्गा का भव्य एवं विशाल मंदिर है। यह मंदिर काशी के पुरातन मंदिरों में से एक है और इस मंदिर का उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। यह मंदिर वाराणसी कैंट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लाल पत्थरों से बने अति भव्य इस मंदिर के एक तरफ दुर्गा कुंड है। इस कुंड को बाद में नगर पालिका ने फुहारे के रूप में बदल दिया, जो अपनी मूल सुंदरता को खो चुका है। इस मंदिर में माँ दुर्गा यंत्र रूप में विराजमान है और इस मंदिर में बाबा भैरवनाथ, देवी लक्ष्मी, माँ सरस्वती एवं माँ काली की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। नंबर 5 पर है तुलसी मानस मंदिर। दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगर काशी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। इस शहर का सबसे ज्यादा महत्व काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर है, लेकिन इस मंदिर के अलावा यहाँ पर कई अन्य मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है तुलसी मानस मंदिर। इस मंदिर की अपनी अलग ही खासियत है। यहाँ जो भी दर्शनार्थी आता है, मंदिर उसकी यादों में बस जाता है। तुलसी मानस मंदिर की सभी दीवारों पर रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयां लिखी हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसी स्थान पर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी की थी। नंबर 6 पर है आलमगीर मस्जिद। धार्मिक निर्माणों में से कलात्मक की नुमाइश न केवल श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, बल्कि एक अद्भुत सुकून भी देती है। यही वजह थी कि प्राचीन भारतीय काल से लेकर मध्यकालीन समय तक किसी भी निर्माण में उसकी मजबूती के अलावा खूबसूरती पर भी खास ध्यान दिया जाता है। धार्मिक इमारतें होने के बावजूद इस मस्जिद का कलात्मक पक्ष बेजोड़ है। मुगल सल्तनत में गंगा किनारे निर्मित यह मस्जिद उस दौर के उत्कृष्ट कला का एहसास कराती है। नंबर 7 पर है रामनगर किला और म्यूजियम। महाभारत काल के दौरान रामनगर ही वह स्थान था जहां वेद व्यास रहकर तपस्या किया करते थे। यह किला 18वीं शताब्दी में ऋषि के प्रति समर्पण के रूप में बनाया गया था। हालांकि किले की दीवार पर शिलालेख 17वीं शताब्दी के हैं और 18वीं शताब्दी तक यहां भगवान राम के जीवन की कहानियों का मंचीय प्रदर्शन होने लगा और इस तरह इस स्थान को रामनगर का नाम मिला। रामनगर किले में एक मंदिर और मैदान के भीतर एक संग्रहालय है और मंदिर वेद व्यास को समर्पित है, जिन्होंने महान भारतीय महाकाव्य महाभारत लिखा है। रामनगर किले की विशाल दीवारों पर एक घड़ी लगी है। यह घड़ी न केवल वर्ष, महीना, सप्ताह और दिन प्रदर्शित करती है, बल्कि सूर्य, चंद्रमा और सितारों के नक्षत्रों के बारे में खगोलीय तथ्य भी बताती है। 8वां है सारनाथ स्तूप। सारनाथ उत्तर प्रदेश राज्य में बौद्ध तीर्थ यात्रा के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थल है। सारनाथ राज्य की घनी आबादी के बीच एक शांत और आध्यात्मिक शहर है, जो कई बौद्ध स्तूपों, संग्रहालयों, प्राचीन स्थलों और खूबसूरत मंदिरों के साथ ऐतिहासिक शहर है। वाराणसी से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूर होने के कारण सारनाथ हमेशा भक्तों से भरा रहता है। बता दें कि यह शहर बौद्ध, जैन और हिंदुओं के लिए एक आदर्श तीर्थ स्थल है। सारनाथ बौद्धों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो विभिन्न ऐतिहासिक मंदिरों, वास्तु चमत्कारों के साथ पूरी तरह से शांत नजर आता है। यह वो जगह है जहां भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश का प्रचार किया। सारनाथ एक तीर्थ स्थल होने के साथ ही लोकप्रिय पर्यटक का आकर्षण भी रहा है। 9वां है वाराणसी के घाट। आमतौर पर वाराणसी के घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है। इस शहर को कई अलग अलग नाम से जाना जाता है, वाराणसी, काशी और बनारस। वाराणसी शहर में कुल 88 घाट हैं, जो सभी गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। इनमें से अधिकांश घाटों का इस्तेमाल स्नान और पूजा समारोह के लिए किया जाता है, जबकि 2 घाटों को विशेष रूप से शमशान स्थलों के रूप में उपयोग किया जाता है। वैसे तो वाराणसी में छोटे बड़े लगभग 88 घाट हैं, लेकिन हम इस लेख में वाराणसी या बनारस के प्रमुख घाटों के बारे में ही जानकारी आपको देने वाले हैं। 10वां है काशी विश्वनाथ। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से काशी में है। यह स्थान शिव और पार्वती का आदि स्थान है, इसलिए आदिलिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है।
ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने जीर्णोद्धार करवाया था। उसे ही 1194 में मोहम्मद गोरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी विश्वनाथ का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी तरफ से एक बनारस की यात्रा, और जिसमें हमने आपको बताया कि वो 10 पर्यटक स्थल जहां आप घूम भी सकते हैं और मंदिरों में अपनी भगवान के सामने हाजिरी भी लगा सकते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है और अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर भी करें। आपका ही जरूरी नहीं है, हो सकता है आपका कोई मित्र या रिश्तेदार बनारस जाने का प्लान बना रहे हो, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। चैनल पर जो लोग नए हैं, प्लीज लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।